सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, क्या भैया फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में लैपटॉप खरीदना मस्ट है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है फर्स्ट ईयर से ही, तो आप उन सारे लोगों से आगे रहोगे जिनके पास लैपटॉप नहीं है। काफी कुछ चीजें अलग कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की मदद से ही हो सकती है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ऑफकोर्स मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ ही रही होगी। फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग करने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आज के डेट में ये सारी चीजें अदर ब्रांचेस भी कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आपके खुद के हॉबीज, अगर आपको ब्रांच ओरिएंटेड चीजें जाननी, क्या सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें हैं कि लैपटॉप लेना जिसकी वजह से कंपलसरी हो जाए? तो कुछ एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं जितना मैंने अभी तक देखा है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे कंप्यूटर साइंस। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज के हर फर्स्ट ईयर या तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में मिल रहा होगा। आपके सेम कॉलेजेस में ही या तो किसी ब्रांच में ये सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहे होंगे, तो किसी में सेकेंड सेमेस्टर में हो रहे होंगे। तो जब भी है उस समय आपको इन लैपटॉप्स के सुख साधनों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो बिना लैपटॉप के भी इन सब्जेक्ट्स को काट रहे हैं। कैसे? इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोफेसर्स को पता होता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है, सॉरी मैक्सिमम नहीं, कुछ स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है। तो उन केसेस में वो बोलते हैं कि ठीक है, आप पेन पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, या फिर प्रोफेसर भी कुछ उस हिसाब से सिखा रहे होते हैं। दूसरी चीज़, अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले, तो वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है लैपटॉप की, कंप्यूटर की, तो आप अपने लैब में जा सकते हो, आपके फ्रेंड्स में अगर किसी के पास लैपटॉप है वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फर्स्ट ईयर में उतनी भी चीज़ें नहीं बताई जा रही होती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, आप कोडिंग के ही फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, आपको सिर्फ ब्रांच के उन सब्जेक्ट्स को पास करके निकलना है, तो थ्योरी पढ़ाया जाता है, थ्योरी को ढंग से पढ़िए। उसके बाद थोड़े बहुत अगर प्रोग्रामिंग करनी ही है, प्रैक्टिकल करना ही है, अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप पे कर सकते हो। लेकिन कहते ना कि कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, स्मूथनेस से सारी चीज़ें हो जाए, उन केसेस में अगर आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया है। बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या फिर किसी भी वजह से अगर आप लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो उतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही होती है। बट क्या भैया इसी तरीके से मैं पूरा 4 साल निकाल सकता हूँ? तो नहीं। अब मेरा इंटर्न का समय आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करनी चालू की हैं कि इंटर्नशिप के दौरान जो भी कंपनीज अपने कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, कुछ इंटरव्यू, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम राउंड्स जो भी रखवा रहे हैं, एग्जाम्स, वो यूजुअली ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप्स होना जरूरी है। अब आपका अगर पूरा ब्रांच किसी पर्टिकुलर कंपनी के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में बैठ रहा है, तो सभी के लैपटॉप्स उसमें इंगेज्ड होंगे। उस समय आप अपने किस फ्रेंड का लैपटॉप ले रहे होंगे? अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो बढ़िया बात है। लेकिन देखिए, लैपटॉप ना होने की वजह से फर्स्ट ईयर तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। जुगाड़ लगा के आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, लेकिन जो हम कहते हैं जिस स्मूथनेस से काम होना, जो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एक्सप्लोर करना, वो सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही होगी। और अगर आप कोडिंग वाले बंदे हो, सीएससी वाले, ईसी वाले स्टूडेंट हो, तब तो उस समय फर्स्ट ईयर से ही मस्ट हो जाता है लैपटॉप उन केसेज में। हाँ, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो 1 महीना 2 महीना रुक जाइए, लेकिन लैपटॉप ले लीजिए। हाँ, अगर आप कोर ब्रांचेस के हो तब उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं कि फर्स्ट ईयर में मुझे लैपटॉप लेना ही लेना है, आप आराम से कुछ समय रुक कर भी लैपटॉप ले सकते हो। बट लैपटॉप ले जरूर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूरत पड़ रही होगी, और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ती जाती है। बट अभी भी मेरे पास एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल हैं जो बिना लैपटॉप के 4th ईयर खत्म कर चुके हैं, तो वो पूरा आपका अपना जुगाड़ होगा। तो अब अगर आपको जानना है भैया कौन से लैपटॉप्स बढ़िया होंगे, डिपेंडिंग ऑन मेरा जो ब्रांच है, किस ब्रांच के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बढ़िया होगा, मुझे अगर कुछ इस डोमेन में काम करना है, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है, उस हिसाब से कौन सा लैपटॉप बढ़िया होगा, तो मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज, 5 वीडियो की सीरीज है, उसमें आप पूरी ऊपर से नीचे तक गाइड कर रखी है कि किन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके के लैपटॉप और पर्टिकुलरली कौन सी लैपटॉप्स बेस्ट रहने वाली हैं। इसका एक वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें एक तो आपको लैपटॉप बाइंग गाइड मिल जाएगा कि किस कॉलेज के लिए, सॉरी किस ब्रांच के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके के लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी, और हर कैटेगरी में एक बेस्ट लैपटॉप मैंने सजेस्ट कर रखा है, और 2-3 जो आज के डेट में ज़्यादा लैपटॉप्स खरीदे जा रहे हैं, उन 2-3 लैपटॉप्स के मैंने रिव्यू भी बना रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं टीयर 3-4-5 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स
इन टीयर 3, 4, 5 कॉलेज से देख रहे हो मेरे वीडियोज को, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट करिए, मुझे और इन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है वो आपसे जाननी है। बहुत कुछ चीज़ें पता है, लेकिन और चीज़ें मुझे पता करनी है, उसके बाद ही मैं इस फील्ड में कदम रख रहा और इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ गाइडेंस दे रहा टीयर 3, 4, 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर के भी। अब मुझे इंस्टाग्राम पर कैसे रीच आउट करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन है, लेकिन इंस्टाग्राम प्रायोरिटी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बिजनेस केसेज से, बिजनेस इंक्वायरी से अगर मुझे मेल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा बिजनेस इंक्वायरी का ईमेल आईडी भी दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बता रही हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।